तो हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आई होप कि आप सभी बहुत मज़े में होंगे और आज सर्दी भी है तो आप इंजॉय कर रहे होंगे सर्दी को। तो आज जो मैं पैटर्न आपके लिए लेकर आई हूँ वो मेरी कैलिफोर्निया की एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि मैं ये लीफ पैटर्न आपको बनाने के लिए बताऊँ कि कैसे बनता है। तो मैं आपके लिए बेसिकली लेकर आई हूँ लीफ पैटर्न। तो ये जो पैटर्न है ये इसकी खास बात ये है कि ये फ्रंट जो फ्रंट से ये लीफ पैटर्न है, बट जब हम इसको रिवर्स करते हैं तो बैक साइड से ये डायमंड पैटर्न का लुक देता है, यानी कि ये रिवर्सेबल पैटर्न है। अगर आप अपने जो भी आपका प्रोजेक्ट है, स्वेटर है या कार्डिगन है, जो भी है व्हाटएवर, उसमें अगर आप इनविजिबल स्टिचिंग करते हो तो इसे आप दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं। तो एक चीज मैं और आपको कहना चाहती हूँ कि कई बार हम जब शूटिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारी जो यार्न होती है, जो कलर हम उसको देखते हैं, वो कैमरे की नज़र में वो यार्न का जो शेड है वो चेंज हो जाता है, और लाइटिंग का भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ओब्वियसली दिन में कुछ लाइट होती है, रात को कुछ लाइट होती है, तो डिपेंड करता है कि उस वक्त लाइटिंग कैसी है। तो उस हिसाब से उसका जो यार्न का जो शेड है, कलर का जो शेड है, वो आपको मतलब अलग अलग तरह से दिख सकता है। तो उस चीज को आप प्लीज इग्नोर करें, क्योंकि उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सेकंड चीज ये है कि कई बार जब हम शूटिंग करते हैं तो क्या होता है कि कई बार जो वीडियो है वो उतनी क्लियर नहीं बनती, क्लियरिटी नहीं आती, शायद लाइटिंग की वजह से या जो भी है। तो अगर वो क्लियर नहीं बनती तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उसको नैरेट करते हैं, साथ साथ नैरेशन करते हैं, ताकि आपको अगर कहीं पे अच्छे से नहीं नज़र आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, तो आप जो हम बोल रहे हैं उससे आप समझ पाएं कि हमने क्या किया है। तो मैं बहुत ही जो है डिटेल में नैरेटिंग करती हूँ और बहुत ही डिटेल में उसके नैरेशन करती हूँ, और स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल में समझाती हूँ कि इस पैटर्न को मैंने किस तरह से बनाया है। तो आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि हमारा जो मकसद होता है वो यही होता है कि आप अच्छे से समझ में आ जाए और आसानी से समझ में आ जाए कि मैंने इस पैटर्न को कैसे बनाया है। तो अब जो बात मैं कहने वाली हूँ वो हर यूट्यूबर को कहनी ही होती है कि अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए, थोड़ा सा भी पसंद आ जाए, तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को प्रेस करें ऑल पे, ताकि आप मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट देख सकें। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इस खूबसूरत डिज़ाइन को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिब बॉर्डर पैटर्न कैसे बनता है। उसके लिए मैंने यहाँ पर जो है 27 फंदे डाले हैं, और इस बॉर्डर के लिए आपको इवन फंदे डालने हैं और एक प्लस एक फंदा। तो यानी कि इवन फंदे हमने समझिए कि 26 डाल दिए, 26, तो एक फंदा हमने एक्स्ट्रा डाला है, इसलिए ये 27 फंदे हो गए हैं। 27 फंदे हमने जो है अपनी सिलाई पे बना लिए। उसके बाद ये जो पैटर्न है, ये जो उल्टी साइड है यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमने एक फंदा उल्टा उतार लेना है, धागा उस तरफ को करके हमें एक सीधा फंदा बुनना है। सीधा फंदा बुनने के बाद हम फिर से यार्न को अपनी तरफ कर लेंगे, और ये जो दो फंदे हैं इसमें हमें ये जो पीछे वाला फंदा है वो पहले बुनना है इस तरह से, और उसके बाद ये फ्रंट वाला जो फंदा है उसे बुनना है। इस तरह से फिर हम जो है धागा पीछे की तरफ को करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे की सामने की तरफ करेंगे और फिर से पीछे वाला फंदा पहले बुनेंगे, और फिर जो फ्रंट वाला फंदा है उसे हम चाहे ऐसे आप उतार भी सकते हैं, उतारने की वैसे ज़रूरत नहीं है, इसी में ही रखिए आप, फिर ये वाला फंदा फ्रंट वाला फंदा बुनेंगे। तो इस तरह से हमारा ये इस तरफ को भी जो है इस तरफ से ही हमने पैटर्न जो है उल्टी तरफ से ही स्टार्ट कर देना है। फिर यार्न पीछे की तरफ को करके एक फंदा सीधा, फिर यार्न अपनी तरफ को करके ये दो फंदों में
पहले इस फंदे को बुनेंगे और फिर जो है फ्रंट वाले फंदे को बुनेंगे। उल्टा ही बुनना है दोनों फंदों को, तो इसे केयरफुली लेना है और इस तरह से बना देना है। फिर यार्न पीछे की तरफ, एक फंदा सीधा, और इस तरह से ही करते हुए हमें इस रो को कंप्लीट करना है। ये हमने बना लिया एंड देन हमें इसको बुनना है इस तरह से। तो इस तरह से हमारी ये जो सिलाई है ये कंप्लीट हो गई, ये वाली रो। अब हम अपने जो हमारा वर्क है उसको टर्न करेंगे और दूसरी तरफ से अब हम सीधी तरफ से इसको बुनेंगे। तो हम पहला फंदा इस तरह से उतार देंगे, स्लिप कर देंगे, और फिर ये उल्टा फंदा हम उल्टा बुनेंगे। अब ये दो फंदे सीधे आ गए हैं, इसमें हमें क्या करना है कि पीछे की तरफ से, इस बार पीछे की तरफ से सिलाई को लेना है और पीछे की तरफ से इस फंदे को, हम पीछे वाले फंदे को, ये देखिए इस तरफ से पीछे वाले फंदे को इस तरह से हमने सीधा बुन लेना है इस तरह, और फिर फ्रंट वाले फंदे को भी हम सीधा बुनेंगे इस तरह से। फिर उल्टा फंदा हमें उल्टा बुनना है और यहाँ पे जो है सिलाई को ले जाना है पीछे की तरफ से, और पीछे की तरफ से इस तरह से इसको बुनना है लाइक दिस, एंड फिर सीधे फंदे को, फ्रंट वाले फंदे को भी ऐसे सीधा बुनना है। अगेन उल्टा फंदा उल्टा, पीछे की तरफ से सीधे फंदे को, पीछे वाले फंदे को पहले बुनना है सीधा इस तरह से, और फिर फ्रंट वाले फंदे को इस तरह से सीधा बुन लेंगे। अगेन एक फंदा। तो इस बॉर्डर को जो है इसी तरह से बनाया जाता है, सीधी तरफ से आप पीछे की तरफ से बुनेंगे, यानी पीछे वाला फंदा पहले बुनना है, फ्रंट वाला फंदा जो है बाद में बुनना है इस तरह, और उल्टी तरफ से भी इसी तरह से उल्टी तरफ से बुनना है, पीछे वाला फंदा पहले बुनना है और फ्रंट वाला जो फंदा है उसे आप बाद में बुनेंगे। फर्क यही है कि सीधी तरफ से आप दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे और उल्टी तरफ से आप दोनों फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो आपका ये जो बॉर्डर है इस तरह से तैयार होगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो है, हमने 27 फंदे डाले थे इसको बनाने के लिए, यहाँ पर हमें चार फंदे और बढ़ाने हैं अपने पैटर्न के लिए। हम यहाँ पर तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, पैटर्न को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो और ये तीन, तीन फंदे हमने उल्टे बना लिए, और यार्न को फ्रंट साइड पे रहने देना है इसी तरह से, लेकिन हम यहाँ पर एक फंदा सीधा बुनेंगे, यहाँ से लेकर जाएंगे और इस तरह से बुनेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एक जाली बन जाएगी और एक फंदा इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद हम यार्न को इसी तरफ को रहने देंगे और फिर हमें एक फंदा उल्टा बुनना है, यार्न पीछे की तरफ से जो है इस तरफ को है यार्न और हम ये उल्टा फंदा बुन रहे हैं, तो इस तरह से लाएंगे तो यहाँ पर भी एक चाली बन जाएगी और एक फंदा भी इंक्रीज हो जाएगा। तो दो फंदे हमारे यहाँ पर इंक्रीज हो गए। उसके बाद हमने ये एक उल्टा फंदा बुन लिया और दो और बुनने हैं, एक दो, तो ये तीन फंदे उल्टे हो गए हमारे पास में। तीन फंदे उल्टे बुनने के बाद में हम यार्न को उस दूसरी तरफ को करेंगे और यहाँ पर एक दो तीन चार और पांच, पांच फंदे हम उल्टे बुनेंगे। उसके बाद में यार्न को सामने की तरफ को करके अपनी तरफ करना है और एक फंदा उल्टा, दो फंदे उल्टे और तीन फंदे उल्टे। तीन फंदे बुनने के बाद फिर से अब हम यार्न को इसी अपनी तरफ को रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक सीधा फंदा बुन लेंगे, फिर यार्न को उसी तरफ को रखेंगे और यहाँ पर एक उल्टा फंदा बुन लेंगे। एक उल्टा फंदा बुन लिया तो और उल्टे फंदे बुनेंगे, तो ये तीन उल्टे फंदे हो गए। उसके बाद यार्न को पीछे की तरफ को करेंगे और यहाँ पर पांच फंदे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे हमने जो है ये सीधे बुन लिए,
उसके बाद हम यान को अपनी तरफ करके ये तीन फंदे जो है लास्ट के उल्टे बुनेंगे। तो हमारे यहाँ पर जो है वो चार फंदे इस तरह से बढ़ गए, दो फंदे हमने यहाँ पर बढ़ाए और दो फंदे हमने यहाँ पर बढ़ाए, दो बार जाली हमने यहाँ पर डाली है और दो बार जाली हमने यहाँ पर डाली है। तो हमारे चार फंदे बढ़ गए और उसके बाद हमें क्या करना है कि तीन फंदे जो हमने उल्टे बुने थे उन तीन फंदों को हमें इस तरह से एक पहला फंदा हम ऐसे उतार लेंगे और बाकी के दो फंदे सीधे बुनेंगे, तीन फंदे सीधे। फिर जो हमने पांच फंदे सीधे बुने थे वो अब इस तरफ से हम पांच फंदे उल्टे बुनेंगे, तीन चार पांच, पांच फंदे उल्टे। उसके बाद एक दो तीन, तीन फंदे सीधे। उसके बाद हम यान को अपनी तरफ करेंगे और ये जो हमने यहाँ पर जाली बनाई थी इसे हमने उल्टा बुनना है और ये बीच वाले फंदे को भी हमने उल्टा बुनना है और इसके साथ वाले फंदे को भी हमने इस तरह से उल्टा बुनना है। उसके बाद यान को हम दूसरी तरफ को करेंगे और तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो ये तीन फंदे हमने सीधे बुन लिए। उसके बाद यान अपनी तरफ करेंगे और इस तरह से हमें जो है यहाँ पर पांच फंदे उल्टे बुनने हैं जो हमने उस तरफ से सीधे बुने थे, तीन चार और ये पांच, पांच फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब यान को उस तरफ को करेंगे और यहाँ पर ये तीन फंदे हमने सीधे बुनने हैं। सीधे बुनने के बाद, तीन फंदे सीधे बुनने के बाद हम यान को अपनी तरफ करेंगे और ये जो जाली वाले फंदे हैं इन तीन फंदों को हमने इस तरह से उल्टा बुनना है। उसके बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे और ये जो लास्ट के तीन फंदे हैं इन्हें हमें इस तरह से सीधा बुनना है। तो ये देखिए ये हमारी दूसरी सिलाई बन गई। अब हमें तीसरी सिलाई बनानी है। तो थर्ड रो में भी हमें जो उल्टे फंदे हैं तीन वो तो उल्टे ही बुनने हैं, एज इट इज़, एक दो तीन, पहला फंदा हम बिना बुने उतारते हैं और बाकी के फंदों को बुन लेना है। अब हमारे पास यहाँ पर जो है ये सीधा फंदा आ गया, इसे हम सीधा बुनेंगे। उसके बाद ये जो सेंटर का फंदा है यहाँ पर हम फिर से धागा यार्न को आगे करेंगे और फिर इस फंदे को इस तरह से सीधा बनेंगे। यहाँ हमने एक जाली बना दी यानी एक फंदा इंक्रीज हो गया हमारा, फिर यार्न को आगे करेंगे और यहाँ पर भी एक जाली बना दी और इस फंदे को सीधा बुन दिया। तो यहाँ पर फिर से हमने दो फंदे इंक्रीज कर लिए हैं और दो जाली यहाँ पर बन गई है। तो अब हमें एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे बुनने हैं। उल्टे बुनने के बाद अब हम यान को दूसरी तरफ को करेंगे और जो ये हमारे पांच फंदे जो हमने यहाँ पर बुने थे अब हमें क्या करना है कि ये जो इनमें से हमें पहले दो फंदों को इस तरह से लेना है और इस तरह से रोटेट करके ऐसे हमें इस तरफ से इसको बुन लेना है इस तरह एक साथ, क्योंकि हमने यहाँ पर इंक्रीज किए हैं दो फंदे तो एक फंदा हमने यहाँ पे डिक्रीज कर दिया। उसके बाद हम ये एक फंदा बुनेंगे बीच में। अब हमारे पास यहाँ पर ये दो फंदे हैं जिन्हें कि हमें जिसका कि एक बनाना है, इन दो फंदों को भी हमने एक बनाना है बट इस यहाँ इस तरफ से हमें इस तरह से लेना है इनको, ये देखिए। तो ये हमने एक एक फंदा यहाँ पे जो है दो फंदे डिक्रीज कर दिए क्योंकि हमने यहाँ पर दो फंदे इंक्रीज किए थे। आफ्टर देन यही हमें आगे करना है। ये हम तीन फंदे हमने बुन लिए बीच में। उसके बाद हम यान को पीछे की तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, यान अपनी तरफ करके ये सीधा फंदा बुनेंगे, जाली डाल दी, फिर से यान अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बुन लिया और जाली डाल दी। यहाँ पे भी दो फंदे इंक्रीज हो गए। अब हमें फिर से यान अपनी तरफ करके तीन फंदे इस तरह से बना लेने हैं। उसके बाद यान को दूसरी तरफ करके हमें जो पांच फंदे सीधे हैं उसमें से हमें दो का एक बनाना है। तो वो हम इस तरह से रोटेट करके जो है इसको इस तरह से बना लेंगे एंड देन एक फंदा बुनेंगे और फिर लास्ट के दो फंदों को इस तरह से एक साथ उठा के हम डिक्रीज कर देंगे। अब जो ये लास्ट के तीन फंदे हैं इन्हें हमें जो है उल्टा ही बुनना है।
अब उल्टी तरफ की जो रो है, इस रो पे हमें अच्छी तरह से पता चल रहा है कि कहाँ फंदे सीधे हैं, कहाँ फंदे उल्टे हैं। तो यहाँ पे हमें करना ये है कि उल्टे फंदों के उल्टे और सीधे फंदों के सीधे फंदे बुनने हैं। तो उल्टी रो बुनने के बाद अब हम आ गए हैं अपनी फिफ्थ रो पे। फिफ्थ रो में हमें क्या करना है कि इस तरह से ये फंदा बिना बुने उतारना है और ये दो फंदे साथ में उल्टे बुन लेने हैं। उसके बाद हमें एक सीधा फंदा बनाना है, दूसरा भी सीधा फंदा बनाना है। ये दो सीधे फंदे बुनने के बाद ये देखिए हमारी ये दो जालियाँ पड़ गई हैं। इसी पे हमें एक जाली और बनानी है, यानी धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को सीधा बुनना है, फिर धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को भी सीधा बुनना है और साथ वाले फंदे को भी सीधा बुनना है। अब हमारे यहाँ पर जो है 7 फंदे हो गए, यानी दो फंदे हमने फिर से इंक्रीज कर दिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1, 2, 3 उल्टे फंदे बुनने के बाद यार्न को उस तरफ करके यहाँ पर हमारे पास 3 फंदे रह गए हैं। तो यहाँ हमने दो फंदे इंक्रीज़ किए हैं तो यहाँ पे हमें दो फंदे डिक्रीज करने हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। अब एक फंदा बनाने के लिए हमें क्या करना है कि ये जो सेंटर वाला जो फंदा है इसको हम इस तरह से उठाएंगे। उठाने के बाद हम इसे सामने की तरफ को लाएंगे, आगे की तरफ को लाना है, इस तरह से सिलाई पे उतार। तो तीनों फंदों को एक साथ लेकर पहले आप इस तरफ को निकाल दीजिए, निकाल के कंफर्म कर लीजिए एंड आफ्टर देन आप उस तरफ को ले जाइएगा और फिर इसे इस तरह से बुन लेना है एक साथ। ये देखिए हमारा ये 3 फंदों का एक बन गया, यानी 2 फंदे यहाँ पे डिक्रीज हो गए। उसके बाद हमें 3 फंदे उल्टे बुनने हैं और यार्न को दूसरी तरफ करके ये हमने 2 फंदे सीधे बुन लिए, फिर एक जाली डालनी है और ये फंदा सीधा बुनना है, धागा अपनी तरफ करके फिर से जाली डालनी है, एक सीधा फंदा और ये दूसरा सीधा फंदा। तो हमने यहाँ पर ये इस तरह से बुनने के बाद अब हम यहाँ पर ये 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब फिर से हमारे पास में ये 3 फंदे आ गए जिनका कि हमें एक बनाना है। तो हम इस फंदे को, सेंटर वाले फंदे को सामने की तरफ लाएंगे इस तरह से और इस फंदे को हम दूसरी इस सिलाई पे ले लेंगे, फिर इसे भी इस तरफ डाल देंगे और उसके बाद हमें ये 3 फंदों को एक साथ लेना है, इस तरह कंफर्म करेंगे और फिर दूसरी तरफ को ले जाएंगे ताकि छूट ना जाए। इस तरफ को निकाल के फिर इसी तरह से हम दूसरी तरफ को इस तरह से ले जाएंगे, देखिए एंड देन इसको हम एक बना देंगे इसका इस तरह से। तो अब बाकी के बचे हुए 3 फंदों को हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे और उल्टी सिलाई तो हर बार में जो है आपको इसी तरह से बुनते जाना है कि उल्टे पे उल्टे फंदे और सीधे पे सीधे। ये देखिए बिल्कुल क्लियर है कहाँ हमें उल्टे बुनने हैं, कहाँ हमें सीधे बुनने हैं। तो उल्टी सिलाई बनाने के बाद अब हम आ गए हैं अपनी सीधी तरफ की रो में। अब इस रो में हमें सीधी तरफ से भी उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बुनते जाना है। इसमें हमें ना तो कुछ डिक्रीज करना है और ना ही कुछ भी इंक्रीज करना है। देखिए ये हमने उल्टा फंदा उल्टा उतार लिया इस तरह से और फिर इसको जो 3 फंदे उल्टे हैं इनको हमने बुन लिया। उसके बाद जो सीधे फंदे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 7 फंदे ये सीधे हैं हमारे पास में, इन्हें हमें सीधा बुन लिया हमने और फिर धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे बना लेने हैं। अब हम यहाँ पे आ गए जहाँ हमने जो है 3 फंदों का एक फंदा बनाया था। तो इसे बुनने के लिए इसे हमने यहाँ नीचे से बुनना है, इस तरह से बुनना है सीधा, बस इसमें यही करना है, बाकी सब एज इट इज जैसे बुना हुआ है वैसे ही बुनना, उल्टे फंदों पे उल्टे फंदे एंड सीधे फंदों पे सीधे फंदे। तो 7 हमारे पास ही सीधे फंदे आ गए। अब हमने कोई जाली नहीं डाली है,
ना तो कहीं पे घटाया है ना तो कहीं पे बढ़ाया है, बस सीधे पे सीधे फंदे बुन लिए और उल्टे पे उल्टे फंदे बुन लिए। एंड देन ये हमारे पास वो फंदा आ गया जिस पे हमने तीन का एक बनाया था, ये एक फंदा सीधा बुनना है लेकिन इसे हम यहाँ नीचे से बुनेंगे। ये देखिए यहाँ से इसे इस तरह से नीचे से बुनना है रिब में, एंड देन उल्टे फंदे उल्टे। तो आपको उल्टी तरफ से भी यही करना है, उल्टे फंदे उल्टे और सीधे फंदे सीधे बना लेने हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। तो रॉन्ग साइड वाली जो है सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हम आ गए हैं राइट साइड पे। तो यहाँ पे हमें तीन फंदे उल्टे बना लेने हैं। उसके बाद यार्न को दूसरी तरफ करके अब हमें यहाँ पर ये जो हमारे सेवन फंदे सीधे बने हैं यहाँ पे हमें दो फंदों का एक फंदा करना है और इस तरह से इसे ऐसे घुमाना है, इस तरफ को ले जाना है और यार्न को इस तरफ से ऐसे इसके ऊपर डालना है और फिर इसे एक साथ इस तरह से बुन लेना है। ठीक है, फिर एक दो तीन, तीन फंदे हमने बुन लिए। अब जो ये लास्ट के दो फंदे हैं इन्हें हमें इस तरह से एक साथ बुनना है। ये देखिए तो इस तरफ से कैसे बुनना है और इस तरफ से कैसे बुनना है ये ध्यान से देखने वाली चीज़ है। एंड देन अब तीन फंदे हमने उल्टे बुनने हैं और यहाँ, और उसके बाद इस फंदे को सीधा बुनेंगे और इस तरह से, तो ये यहाँ पर हमारी एक जाली बन गई। उसके बाद हमें इस फंदे को उल्टा बुनना है तो हम यार्न को इस तरफ ही रहने देंगे एंड देन ऐसे इसको बना लेंगे उल्टे फंदे को, तो यहाँ पर भी हमारी एक जाली बन जाएगी, यानी दो फंदे यहाँ इंक्रीज हो गए। यहाँ पर हमने दो फंदे डिक्रीज किए और यहाँ पे हमने दो फंदे इंक्रीज कर लिए। एंड देन जो एक फंदा हमने उल्टा बुन लिया और बाकी के दो फंदे भी उल्टे बुन लेंगे इस तरह से। अब हम आ गए उन फंदों पे जो सात हमारे सीधे फंदे हैं, तो इसे हमने क्या करना है कि इस तरह से इन फंदों को उठाना है, इस तरह से रोटेट करना है। ये देखिए इस तरह से रोटेट करने के बाद हमें ये जो धागा है ये इस तरह से इसके ऊपर डालना है और इस तरह से जो है इसको निकालना है। उसके बाद तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे और जो लास्ट के दो फंदे हैं उन्हें हम सिंपली इस तरह से उठाएंगे एक साथ और इस तरह से एक साथ बुन लेंगे इनको। फिर हम तीन फंदे उल्टे बुनेंगे और तीन फंदे उल्टे बुनने के बाद हमें जो है उसी तरह से यहाँ पे जाली डालनी है जैसे मैंने अभी बताया था। इस तरह से हम यहाँ पर दो जाली डालेंगे और उल्टे फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो अब जो है उल्टी सिलाई हमें इसी तरह से उल्टी बुननी है। तो ये उल्टी सिलाई हमने उल्टी बुन ली है इस तरह से, उल्टे पे उल्टे और सीधे पे सीधे फंदे। ओके, तो अब हम अपने वर्क को टर्न करेंगे एंड यहाँ पर हम अपने पैटर्न पे आ जाएंगे। तो इससे हम बिना बुने उतारेंगे उल्टा फंदा एंड देन दो फंदे और उल्टे बुनेंगे। उसके बाद हम आगे यहाँ पर अब हमारे पांच फंदे रह गए हैं, सात थे अब हमारे पांच फंदे रह गए हैं। तो इन्हें हमें किस तरह से लेना है, पहले दो फंदों को इस तरह से रोटेट करते हुए हम जो लेंगे और इस तरह से यार्न को लेंगे और इस तरह हमें बुन लेना है इनको। ठीक है, और फिर अब एक फंदा बुनना है सीधा और उसके बाद जो ये दो फंदे हैं इन्हें हम इसी तरह से एक साथ दो फंदों को इस तरह से सीधा बुन लेंगे। अब हमें तीन फंदे जो है उल्टे बुनने हैं धागा अपनी तरफ को करके, और अब यार्न को दूसरी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा फिर धागा आगे करके एक फंदा सीधा बुनना है, जाली बन गई। फिर धागा आगे करके एक फंदा सीधा बुनना है, जाली बन गई। और यहाँ पे हमारे जो है तीन से पहले तीन फंदे बनाए थे हमने और अब हमारे यहाँ पर पांच फंदे हो गए। अब हम यहाँ पर जो है
फिर से तीन फंदे बुनेंगे उसे, और अब हम डिक्रीज करेंगे पांच फंदों का जो ग्रुप है उसमें हम इस तरह से जो है यार्न को ऊपर से निकाल के दो फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे और फिर दो फंदों को एक साथ ऐसे सिंपली सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पर हमारे तीन हो गए और यहाँ पे हमारे पांच बन गए। फिर से तीन फंदे उल्टे, अब यार्न पीछे की तरफ हो करके एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा सीधा, एक जाली बन गई, धागा आगे और एक फंदा सीधा दूसरी जाली बन गई। अब धागा आगे करके बाकी के जो तीन फंदे हैं वो हम उल्टे बुन लेंगे और उल्टी तरफ से हम उल्टे पे उल्टे और सीधे पे सीधे जो है बनाते हुए बुन लेंगे। तो रॉन्ग साइड कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पर फिर से राइट साइड में आ गए हैं जहाँ हमें सबसे पहले तीन फंदे उल्टे बुनने हैं, और अब हमारे पास यहाँ पर ये तीन फंदे रह गए हैं जिसका कि हमें एक बनाना है। तो सेंटर वाले फंदे को हम इस तरह से लेंगे सिलाई पे और इस तरह से निकाल के जो ये फ्रंट का जो लूप है इसको हम सिलाई पे इस तरह से ले लेंगे और फिर इसे भी इस तरह से उतार लेंगे। अब हम तीनों फंदों को एक साथ में लेंगे इस तरह से और पीछे की तरफ से हम इसको सीधा बुन लेंगे। बस इसको थोड़ा सा केयरफुली निकालना है, ये थोड़ा सा जो है तो अब हमने ये तीन फंदों का एक फंदा बना लिया है। नाउ अब हम क्या करेंगे कि तीन फंदे उल्टे बुनेंगे और यहाँ पर यार्न को पीछे की तरफ होकर के ये दो फंदे सीधे बुनेंगे, पर यहाँ जाली के ऊपर हमें जाली डालनी है और एक फंदा इस तरह सीधा बुनना है धागा आगे करके। यहाँ पे फिर से धागा आगे करेंगे और बाकी के दो फंदे इस तरह सीधे बुन लेंगे, उल्टे फंदे उल्टे बुनेंगे तीन, और फिर तीन फंदों का एक फंदा बनाना है। इस फंदे को इस सिलाई पे लेना है और फिर पीछे की तरफ से इस फंदे को सिलाई पे इस तरह से उठा लेना है। अच्छे से फिर ये फंदा हम वापस इसी सिलाई पे ले लेंगे इस तरह से, और उसके बाद हमें ये तीनों फंदों को एक साथ पीछे की तरफ से बुनना है। तो ये हमारा तीन फंदों का एक फंदा बन गया। अब हम क्या करेंगे कि तीन फंदे उल्टे बुनेंगे और यहाँ पर हमें जाली बनानी है, दो फंदे सीधे बुनने हैं फिर जाली बनाएंगे यहाँ सेंटर वाले फंदे के साथ और फिर यहाँ पे भी जाली बनाते हुए दो फंदे सीधे बुन लेने हैं, उल्टे फंदे फिर से उल्टे और उल्टी तरफ से उल्टे फंदे उल्टे बुनने हैं, सीधे फंदे सीधे बुनने हैं। तो ये देखिए एक पत्ती हमारी यहाँ पर जो है ये कंप्लीट हो गई है, क्लियरली देख सकते हैं आप, एक पत्ती ये और एक पत्ती ये, और यहाँ पे हमारी दूसरी पत्ती बननी तैयार हो रही है। तो अब फिर से हम सीधी तरफ को राइट साइड पे आ गए हैं, तीन फंदे सीधे और जो ये एक फंदा है इसे हमें रिब में बुनना है, मीन्स नीचे से बुनना है यहाँ से इस तरह से, फिर तीन फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे और ये जो सात फंदे हैं ये सीधे। अब यहाँ पर कोई जाली नहीं डालनी है, जितने फंदे बन चुके हैं सात फंदे हमारे बनते हैं तो हमने इनको इस तरह से सीधे बुन लेना है, ना कुछ घटाना है ना कुछ बढ़ाना है, ये वो वाली सिलाई है, सिर्फ हमें
जो ये सिंगल फंदा आता है, जो तीन का एक हमने बनाया था, सिर्फ इस सीधे फंदे को हमें रिब ने बुनना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना है। सीधे पे सीधे और सीधे फंदों के सीधे फंदे बुनने हैं और उल्टे फंदों के उल्टे फंदे बुनने हैं। इसी तरह से हमें रॉन्ग साइड में बुनना है। ये तीन फंदे हमने सीधे बुन लिए, उल्टे बुन लिए। अब इसी तरह से रॉन्ग साइड पे भी हमें उल्टे पे उल्टे और सीधे पे सीधे फंदे बुनने हैं। तो अब हम राइट साइड पे आ गए और यहाँ पर तीन फंदे हमने उल्टे बना लिए। यहाँ पर हमें जाली बनानी है। कैसे बनानी है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर तीन फंदे उल्टे, दो जाली यहाँ बन गई। और यहाँ पर हमें यहाँ पर दो का एक बनाना है। किस तरह से बनाना है ये भी आपको पता है, इस तरह से मैं आपको बता चुकी हूँ ऐसे। और फिर तीन फंदे उल्टे सीधे और उसके बाद ये दो फंदे एक साथ बनाने हैं सिंपली इस तरह से। तीन फंदे उल्टे, एंड यहाँ पर हमें जाली बनानी है। बाकी के दो फंदे उल्टे और यहाँ पर हम अब डिक्रीज करेंगे। दो फंदे एक साथ बुनेंगे, तीन फंदे सीधे एंड दो फंदे फिर से सीधे एक साथ, तीन फंदे उल्टे और उल्टी तरफ से उल्टे फंदों पे उल्टे और सीधे फंदों पे सीधे बुनने हैं। तो अब आप देख रहे हैं राइट साइड से हमने उल्टी सिलाई बुन ली है। यहाँ से अब आप देख रहे हैं कि मैंने पैटर्न फिर से स्टार्ट करा दिया है। यहाँ पर फिर से जैसे हमने यहाँ पे जाली डाली थी वैसे ही हमारी यहाँ पे जाली स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे जैसे हमने जो है डिक्रीज किए थे वैसे ही अब हम यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं। और सेम वही जो प्रोसेस है जो हमने यहाँ पे किया था, यही प्रोसीजर अब हम यहाँ पर रिपीट करने वाले हैं। और इसे हम रिपीट करेंगे तो हमारा ये जो पैटर्न है ये बनता चला जाएगा इस तरह से। तो अब आप ये देख लीजिए कि ये जो पैटर्न है कितना खूबसूरत ये लगता है और कितना इजीली ये बनता है। और इसका जो बैक साइड है वो भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये रिवर्सेबल है, आप इस तरफ को भी इसे वेयर कर सकते हैं और दूसरी तरफ को भी अगर आप स्टिचिंग करते हैं जो कि इनविजिबल स्टिचिंग हो तो ये दोनों तरफ से पहना जा सकता है। गाइज आई होप कि आपको ये जो डिज़ाइन है वो पसंद आया होगा और अच्छे से समझ भी आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड एंजॉय टू प्ले विद कलरफुल थ्रेड्स। थैंक यू।